हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी हम घर के मसाले से बनाते हैं और बहुत ही लजीज बनती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को खिलाएं। जिंजर गार्लिक को इस तरह ग्राइंड कर लें। ऐड द मीट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जस्ट मिक्स इट। गोश्त या चिकन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ ही डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें, भून लें ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। कवर एंड लेट इट कुक। Add all the masala, mix and add water. पानी डालें ऊपर से। और इसको थोड़ा मिक्स कर लें। इसको कवर कर दें और पकने दें थोड़ी देर। साबुत गरम मसाले को हम बॉईल करके डालते हैं क्योंकि वी डोंट वांट इट टू कम इन आवर माउथ। हमें नहीं चाहिए कि ये हमारे मुंह में आए। अगर आपको चाहिए तो आप बेशक इस तरह ही डाल दें। मैं इसको बॉईल करके वो पानी डालूंगी। ऊपर से पानी डाल के हमने इसको बॉईल करके इसको हमने अच्छी तरह बॉईल करना है, तो पानी पक पक के कम हो जाएगा। इसको अब हम ऑन करते हैं। इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें, अच्छी तरह इसका रस निकल आए, फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे बिरयानी के लिए और छान लेंगे इसे हम। साथ साथ इसको चेक करते रहें, आपका जो गोश्त भून रहा है उसका मसाला भूनता रहे, गोश्त गलता रहे साथ साथ। मैंने थोड़ा पानी और डाला है ताकि ये अब उसमें गलता रहे। इसको कवर कर दें, ऊपर से कवर कर दें और इसको पकने दें। टमाटर को हमने गर्म पानी में बॉईल किया 1 मिनट के लिए और फिर उसको हमने उसका छिलका उतार लिया और इनको हमने काट लिया है पील करके। 2 मग चावल ले रही हूँ। इनको अब हमने धोना है और भिगोना है। ये बॉईल हो रहा है इस वक्त। टमाटर अब मैं डाल रही हूँ और इसको कवर कर दें ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। हल्के हाथ से इनको 4-5 दफा अच्छी तरह धो लें, हल्के हाथ से ताकि टूटे ना चावल। चेक कर लें टमाटरों को। This is our masala boiling.
ये मसाला हम पानी में डालेंगे और उसको बॉईल करें रखेंगे। बाद में इसमें से ये चीज़ें आप ज़ीरा तो नहीं लेकिन तेज़पत्ता और स्टार एनीस आप निकाल सकते हैं बादे खताई और पानी में, ताकि खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। ये मसाला पानी में डाल रही हूँ, बस अब इसको बॉईल करने रख देना है। बाद में जो मोटी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप निकाल सकते हैं। अब दही डाल के इसको इकट्ठा भून लेते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको बस पकने रख दें। उधर पानी बॉईल हो रहा है हमारा, चावलों वाला पानी बॉईल हो रहा है, इधर गोश्त गल रहा है। अब इसमें हम जो पानी हमने मसाले का बॉईल किया था वो डाल देंगे। ये पानी बॉईल हुआ हुआ है, इसको हम इसमें छान के बस। आपको किसी क्यूब की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, आप घर में मसाला बनाएं और इतना ज़बरदस्त देखें। ये पानी बॉईल हो गया, इसमें हमने जो ज़ीरा और तेज़पत्ता और ये देखें इस तरह सारा निकाल लें, जो भी निकल सकता है निकाल लें, बाकी रहने दें, ज़ीरे की खैर है, मोटी मोटी चीज़ें निकाल लें। यही पानी हम चावलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। थ्री टेबलस्पून नमक, आई एम एडिंग वन टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड वन टेबलस्पून ऑफ विनेगर इन राइस। सेवेंटी परसेंट हो जाए चावल तो बस मीट ऐड करने का, मसाला और गोश्त ऐड करने का टाइम आ गया। पानी आप निकाल लें। आखिर में थोड़े से चावल बचा के जो मसाला देगची में रह गया उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ऊपर डाल दें। ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह ज़रा फैला लें। फैलाने के बाद ये लेमन है, लेमन का जूस निकाला है, एक लेमन का, एक नींबू का। ये पुदीना ऊपर से, ऊपर नीचे तवा रखा हुआ है, उसके नीचे तवा रख के उसके ऊपर देगची फॉइल और उसको कवर कर दिया। अब ये दम लगेगा इसको 30 मिनट, इसको दम लगेगा बिल्कुल स्लो आग पे तवे के ऊपर। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत लजीज है और बहुत लोगों को पसंद आती है। ऊपर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज डाल दें,
बहुत बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर 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 ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं।